Sehgal Inter College, Kanwakhera, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। यूपी में लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं के दल बदलने का खेल जारी है। ताजा मामला पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य का सामने आया है। उत्कर्ष मौर्य कुशीनगर से अपना नामांकन वापस लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बता दें, उत्कर्ष मौर्य ने यूपी की कुशीनगर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया था। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा था, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्कर्ष मौर्य का स्वागत किया। उत्कर्ष मौर्य के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद रायबरेली को ऊंचाहार सीट को लेकर कांग्रेस की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। वह इसलिए, दरअसल भाजपा ने ऊंचाहार में सपा के मौजूदा विधायक मनोज पांडे को अपनी पार्टी में शामिल कर एक तरह से यहां से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को झटका दिया था। अब कांग्रेस ने उत्कर्ष मौर्य को पार्टी ज्वाइन कराकर पलटवार किया है। बताया जाता है उत्कर्ष मौर्य का रायबरेली ऊंचाहार में अपने समाज में खासा प्रभाव है। बहरहाल, उत्कर्ष मौर्य के कांग्रेस में शामिल होने और ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे के भाजपा में शामिल होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे लेकर अलग अलग की तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बता दें, रायबरेली लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होना है। रायबरेली लोकसभा सीट पर भाजपा से दिनेश प्रताप सिंह, कांग्रेस से राहुल गांधी, बसपा से ठाकुर प्रसाद यादव मैदान में हैं। वैसे रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है। ऐसे में भाजपा ने राहुल गांधी को घेरने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस ने जिन उत्कर्ष मौर्य को पार्टी में शामिल कराया है, वह ऊंचाहार विधानसभा में चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में इसे मनोज पांडे की काट के तौर पर देखा जा रहा है। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।